वेलकम बैक टू माय मदर्स गॉड सुमन्स किचन चैनल। तो आज मेरा मन कर गया चूल्हे की रोटी खाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो आओ चलो हम सारे देखते हैं कि कैसे बनाए चूल्हे पे रोटी। गाइस, मेरी मम्मी ने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है और अब मेरी मम्मी इसे बेलने के बाद बनाना सिखाएगी। हमारा चूल्हे पे तवा बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। अब मेरी मम्मी बेल रही है रोटी को। ये देखिए, अब मेरी मम्मी ने रोटी को तवे पे डाल दिया है और अब हम इसे बनने तक का इंतजार करेंगे। एक तरफ से रोटी बिल्कुल सेक चुकी है, तो अब हम दूसरी तरफ से इसे सेकेंगे। ये हमारी रोटी कितने अच्छे से सिक रही है और पीछे से भी सिक गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी अच्छे से सिक चुकी है। चूल्हे पे नीचे सेकेगा। अब हमारी रोटी कितने अच्छे से सिक चुकी है। अब ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से सिक चुकी है रोटी हमारी। तो गाइस ये देखिए, हमारी रोटी कितने अच्छे से सिक्की तैयार होने वाली है। अब हमारी रोटी तैयार हो चुकी है और हम इसकी सारी राख निकालेंगे। तो ऐसे निकलती है रोटी की राख। अब मेरी मम्मी लगा रही है इस पे बटर और ये रोटी इतनी यमी बन चुकी है कि मैं ही खा जाऊं इसे अभी देखता। मेरी मम्मी इसे सर्व कर रही है मेरे को और अब मैं इसे खाने वाला हूँ। आप सब भी आ जाओ मम्मी की वीडियो देख के खाने के लिए। गाइस, अब मेरी मम्मी ऐसे ही इस बहुत सारी रोटियों को तैयार कर लेगी। इस तरीके को अपनाते हुए मेरी मम्मी बहुत सारी रोटी बना लेगी। इन रोटियों को जरूर से जरूर ट्राई करें। तो गाइस, इस तरीके के साथ मेरी मम्मी सारी रोटी तैयार कर लेगी। गाइस, इसी के तरीके के साथ हमारी सारी रोटी तैयार हो चुकी है। सो गाइस, अब हमारी चूल्हे की रोटियां बनकर हो गई हैं तैयार। आज मेरे बच्चों का मन था कि हम खाएंगे चूल्हे की रोटियां, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। आई होप आपको मेरी ये चूल्हे की रोटी की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।